कुछ खास खबरों से। भारत धर्म प्रधान देश जहां सभी धर्मों के मानने वाले लोग गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज इसी देश में दोहरे कानून के मापदंडों नेताओं के बयानबाजी से आपसी भाईचारा खतरे में है। हिंदुस्तान तो रहेगा लेकिन आने वाले समय में हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोकतांत्रिक देश का मुखिया कहने में शर्म आएगी। असम में लागू CAA व NCRC कानून के मुद्दे पर दोहरी राजनीति के आरोप प्रत्यारोप से शीर्ष नेताओं के बयानों में आयाम का विश्वास घुटता लाजमी है। वह इस परिस्थिति में जब पूरे भारत में हम बने कानून का विरोध में आंदोलन का दौर चल रहा हो, इस मुद्दे पर जहां मीडिया का गूंगा बहरा बनने की सलाह दी जा रही हो, समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक अब खतरे में है। गोंदी मीडिया को छोड़कर बाकी पत्रकारों को प्रेस नोट देकर इमला लिखने की सलाह कहां तक जायज है? आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयानों से नए नए वीडियोस जारी वीडियोस से आयाम भी भ्रम में है कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ। पूरे विश्व में नेपाल को जहां हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है, वहीं हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक देश होने पर गर्व हासिल है। क्या यह तस्वीरें लोकतांत्रिक हैं? आइए आपको नए हिंदुस्तान की तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ इस कानून पर हम एक दूसरे की जान लेने का अमादा है। जो 1947 से पूर्व दिखे होने में ऐसा लग रहा है आयाम दूसरी आजादी की जंग लड़ रहा है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता के साथ। ना जी, ये नहीं है, इससे नागरिकता तय नहीं हो और आधार से तो जरा भी नहीं। NRC में कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी NRC के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। एक बात तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए NRC है, ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी। सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में NRC बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा, CAB आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबर के साथ।
साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।